आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सुबह की चाय के बिना नहीं रह पाते हैं उन्हें चाय की चुस्कियों के साथ नींद से उठने की आदत है चाय भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा है और इसके जरिए हम काम के दौरान आने वाली नींद थकान और आलस्य को दूर करते हैं इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि चाय का सेवन हानिकारक होता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाय से जुड़े कुछ ऐसे ही भ्रमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें लोग सच मानते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कई लोगों के दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ होती है वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टॉनिक के रूप में तरह तरह की चाय का सेवन करते हैं हालांकि जैसे जैसे लोगों के बीच तरह तरह की चाय मशहूर होती गई वैसे वैसे लोगों के मन में इससे कई तरह के भ्रम भी पैदा होते गए जिनकी सच्चाई कुछ और ही है तो आइए आज हम आपको चाय से जुड़े कुछ ऐसे ही भ्रम और उनकी सच्चाइयों के बारे में बताते हैं नंबर वन दूध वाली चाय के सेवन से सेहत को होता है नुकसान कई लोगों का यह मानना है कि दूध वाली चाय के सेवन से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है लेकिन इस बात की सच्चाई से लोग अनजान हैं। दरअसल कई लोगों का मानना है कि चाय में दूध मिलने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं जबकि यह है गलत है चाय में दूध मिलने से कभी भी इसके पोषक तत्व कम नहीं होते हैं बल्कि दूध मिलने से शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है नंबर टू ग्रीन टी पीने से तुरंत कम होता है वजन अगर आप इस बात को सच मानते हैं कि ग्रीन टी पीने से वजन तुरंत कम होता है तो हम आपको बता दें कि यह सिर्फ एक भ्रम है भले ही ग्रीन टी में मौजूद पोषकत्व तो मेटावालिज्म को बढ़ाने और फैट बर्न यानी कि चर्बी घटाने में काफ़ी मदद करते हों लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रीन टी पीने से आपका वजन तुरंत ही कम होने लगता है इसके साथ ही आपको अपने डाइट और एक्सरसाइज पर भी पूरा ध्यान देना होता है नंबर थ्री कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है चाय चाय को लेकर एक गलत धारणा यह भी है कि यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है जबकि ऐसा नहीं है ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस बात का कोई चिकित्सकीय प्रमाण नहीं है कि चाय कैंसर के खतरे को कम कर सकती है हालांकि कई अध्ययनों में इस बात का जिक्र मिलता है की सीमित मात्रा में ग्रीन टी का सेवन कैंसर से बचाव में कारगर होता है नंबर फोर चाय की पत्ती कभी एक्सपायर नहीं होती शायद आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाली चाय की पत्ती कभी एक्सपायर नहीं होती जबकि ऐसा नहीं है अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि किचन में मौजूद ज्यादातर चीजों की तरह चाय की पत्ती की भी एक्सपायरी डेट होती है एक्सपायर्ड चाय की पत्ती से बनी चाय का सेवन आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है तो दोस्तों ये थे चाय से जुड़े कुछ भ्रम और उनकी सच्चाई तो आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जय हिंद जय भारत